भारत बेंज के ट्रक स्टॉप में बहुत सारे देखे होंगे, बट आज आपके सामने है मर्सिडीज बेंज का 1117 ट्रक। बेसिकली ये भारत बेंज का ही ट्रक है, बट इसे मर्सिडीज का जो लोगो है वो दिया गया है। ये भारत बेंज का BS6 फेज 2 कंप्लायंट ट्रक है। इस लोगो के बारे में, साथ ही साथ ट्रक के बारे में, ट्रक की कीमत के बारे में और इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं ये जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस शानदार ट्रक को। जब ये गाड़ी रोड पर चलने वाली है तो बहुत सारे लोग इसे मुड़ मुड़ कर देखने वाले हैं इसके लोगों की वजह से। ये जो वेरिएंट है ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, जिसमें आपको पेंटेड बम्पर मिल जाता है, इसमें आपको सिंगल चैम्बर हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, DRL की स्ट्रिप दी गई है, इंडिकेटर मिल जाता है, भारत बेंज की बड़ी सी बैजिंग दी गई है। जब स्टॉक गाड़ी आती है कंपनी से तब इसमें मर्सिडीज का लोगो नहीं आता है, इसमें भारत बेंज का लोगो आता है। बट अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर आप इसमें मर्सिडीज का लोगो फिट करवा सकते हैं। फ्रंट साइड में बढ़िया सा विंडस्क्रीन मिल जाता है, ड्यूल वाइपर मिल जाते हैं। जो फ्रंट ब्लाइंड स्पॉट होता है, यानी कि जो इसके नीचे वगैरह पार्ट वगैरह होता है, इसके प्रोटेक्शन के लिए खासकर यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मिरर दिया गया है, क्योंकि ये फीचर तब काम आता है जब टोल नाका वगैरह होता है या ट्रैफिक वगैरह होता है, जब गाड़ी चलती है तो सामने जो डिस्टेंस होता है इतना, इसमें ड्राइवर को नहीं दिखता, इसकी मदद से ड्राइवर वहां पर देख सकता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। इसमें आपको मिलता है भारत बेंज का 167 HP 4 सिलेंडर इंजन। ये काफी पावरफुल इंजन है 170 HP सेगमेंट का। साथ ही साथ इसमें आपको डे कैबिन मिलता है, ये CBC वेरिएंट आप देख सकते हैं। ये जो वेरिएंट है ये 20 फीट वेरिएंट, आप देखिए 20 फीट वेरिएंट को मेजरली लोग FMCG एप्लीकेशन है, LPG सिलेंडर एप्लीकेशन है, कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र में इस गाड़ी को एज अ बैंड व्हीकल भी यूज करते हैं, म्यूजिक बैंड वगैरह होते हैं उनकी भी एक पसंद गाड़ी हो सकती है। इसमें आपको कुल 4 टाइप के लोडिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है 15 फीट, दूसरा है 17 फीट, तीसरा है 20 फीट और चौथा है 21 फीट। 15, 17, 20, 21 फीट, ऐसे आपको 4 लोडिंग ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 200 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अगर आप इसमें 15 फीट वेरियंट लेते हैं तो आपको इसमें 160 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर करती है भारत बेंज। और एडब्लू टैंक यानी कि यूरिया टैंक की बात करें, DF टैंक की बात करें, तो इसमें आपको 43 लीटर का एडब्लू टैंक मिलता है, बट इसकी फिलिंग कैपेसिटी 36 लीटर की है, ये बात आप गौर कीजिए। जो भारत बेंज कंपनी है सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, क्वालिटी में यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बैटरी के ऊपर भी कितना हेवी कवर यहाँ पर दिया गया है और ये BS6 फेज 2 कंपनी गाड़ी है। मेजरली जो इसमें चेंजेस है वो एग्जॉस्ट सिस्टम में किए गए हैं, जिनके बारे में आगे बात करने वाले। यहाँ पर 12 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बैटरी ऑटो स्विच है, डीजल फिल्टर है और लिफ्टेबल कैबिन है, मतलब मेंटेनेंस करते समय आप इस कैबिन को उठा भी सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक कूलन टैंक आपको मिल जाता है। यहाँ पर काफी हेवी चीज इसमें दी गई है, इसमें 2 न्यूमेटिक टैंक्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो पार्ट है दोस्तों, ये आपको खाली खाली पार्ट लग रहा होगा, बट नहीं, ये इतना छोटा सा पार्ट भी लोडेड गाड़ी को रोकने की क्षमता रखता है। इसके फ्रंट एंड रियर एक्सल पर आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, जिसकी वजह से लोडिंग काफी आसान हो जाती है। इस गाड़ी के टायर्स इसके अगर हम बात करें तो इसमें आपको 825/16 LT सेक्शन के टायर्स मिलते हैं, यानी कि 16 इंच के टायर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत सारे ब्रांड्स की अपनी गाड़ी में देखोगे यहाँ पर अटैचमेंट जो होती है, इन्हें इस प्रकार से बांध के रखा जाता है, बट ये अटैचमेंट कहाँ पर यूज होती है इस बात को कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, ये जो अटैचमेंट्स होती है इसके लिए आपको पीछे आना पड़ेगा। जो रिवर्स पार्किंग सेंसर होते हैं, अभी BS6 गाड़ियों में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स बहुत कॉमन टर्म है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की मदद से गाड़ी को पीछे लेते हुए आपको काफी मदद होती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स को माउंट करने के लिए वो अटैचमेंट दी जाती है। अभी इसकी जो बॉडी अभी बनी नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रकार से माउंट किया गया है। जब बॉडी बिल्डर इस पे बॉडी बनाएंगे तो वो इसे अच्छे से माउंट कर देंगे। भारत बेंज की सभी गाड़ियों में आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं, जो काफी दूर से रात में दिख जाते हैं। एडिशनल सेफ्टी के लिए यहाँ पर रियर साइड में आपको गार्ड मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके स्पेयर व्हील लोकेशन की। स्पेयर व्हील लोकेशन इसका सेंट्रल साइड में दिया गया है, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। भारत बेंज एक फीचर लोडेड ट्रक है, इसमें कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी पर गाड़ी आधारित है और BS6 फेज 2 का सबसे बड़ा बदलाव है इसका EATS, यानी कि एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। इसका जो EATS सिस्टम का जो शेप है, सिलेंडर जैसा बनाया गया है, सिगार टाइप EATS बोलते हैं, मतलब कि जो शेप है आप देखिए एकदम थोड़ा लंबा सिलेंडर यहाँ पर दिया गया है। पहले ऐसा बॉक्स जैसा आता था, अभी इसे ऐसा कर दिया गया है। एग्जॉस्ट नॉर्म को स्ट्रिक्ट बहुत कर दिया गवर्नमेंट, जिसकी वजह से गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम में काफी सारे चेंजेस कंपनीज को करने पड़ गए हैं। 1117 यानी कि 1117 के यहाँ पर बैजिंग दी गई है, जिसमें से इसका जो 17 कोड है वो इसका इंजन HP है। अब दोस्तों, जितनी गाड़ी बाहर से शानदार दिखती है उससे कई गुना ज्यादा अंदर से बढ़िया है। तो डोर इस प्रकार खुलता है, बेसिक सी फिनिशिंग यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पीकर दिया गया है इसका, एकदम यूनिक स्टाइल में यहाँ पर हैंडल बनाया गया है। साथ ही साथ एक आर्म रेस्ट कहे या इसे हैंडल कहे, एक हैंडल का उपयोग आप बहुत सारे टाइप में कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, डोर ओपनिंग क्लोजिंग के लिए आप कर सकते हैं, गाड़ी चलाते हो आप यहाँ पर ऐसे हाथ भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक पकड़ने के लिए हैंडल दिया गया है और यहाँ पर एक स्टेप दी गई है, आप एक ही स्टेप में इसके अंदर आ सकते हैं। मैनुअल एडजस्टेड सीट मिलता है, ये देखिए फुल्ली,
मतलब मेरी हाइट अभी 6 फीट की है तो भी मैं यहाँ पर आराम से बैठ सकता हूँ और आपको काफी कमांडिंग पोजीशन इस गाड़ी में मिलने वाली है। डैशबोर्ड डिजाइन इस प्रकार का दिखता है, यहाँ पर आपको फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर के बटन आपको मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ से आप एग्जॉस्ट ब्रेक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड में हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स और पास लाइट आपको मिल जाता है। अब जानते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस प्रकार ऑन होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है, इसके नीचे एयर प्रेशर गेज दिया गया है, यहाँ पर आरपीएम मीटर है और सेकेंडरी एयर प्रेशर गेज दिया गया है। सेंट्रल साइड में मल्टी इंप्रेशन डिस्प्ले यानी कि MID दिया गया है, जिसमें आप फ्यूल लेवल, एडलू लेवल, डिस्टेंस टू MT यानी गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती है, ट्रिप, गाड़ी का एवरेज, ट्रिप बीम, रनिंग आर आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब गाड़ी 1455 किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि ये गाड़ी चेन्नई से डायरेक्ट आई है अभी प्लांट में। इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग होती है चेन्नई के पास ओरगाडम नाम से एक जगह है, भारत बेंज का वहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट है और वहाँ से ये गाड़ी डायरेक्ट आई है। और अभी BS6 फेज 2 का सबसे पहला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। डैशबोर्ड के राइट साइड में आपको एक नया बटन दिया गया, पावर मोड और इको मोड का कंट्रोल। BS6 फेज 1 में आपको नहीं मिलता था, बट अभी ये पावर मोड, इको मोड का कंट्रोल यहाँ पर आ गया है। इसके नीचे हजार्ड लैंप का बटन है, यहाँ पर ऊपर रीजनरेशन ऑन ऑफ कंट्रोल है, साथ ही साथ इसके बगल में एक डमी स्विच का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। ऑयल लेवल चेकआउट कर सकते हैं, ये क्लच फ्लूइड रिजर्वायर है। कैबिन में कुल मिलाकर 4 AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, जिनमें से सेंट्रल साइड में 2 है, कॉर्नर में 1 है और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर एक आपको TFT LCD पैनल मिल जाता है, जिसे आप रिवर्स गियर एंगेज करेंगे तो इसका कैमरा ऑन हो जाता है। अभी बेसिकली कैमरा कनेक्टेड नहीं है क्योंकि अभी तक बॉडी बनी नहीं है, तो यहाँ से आप देखिए अभी व्यू कुछ नहीं आ रहा है, बट जब बॉडी बिल्डर इस पे बॉडी बना देंगे तो कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। अभी उसकी फिटिंग बाकी है कैमरा की। और क्रोम की यहाँ पर फिनिशिंग मिल जाती है, देखिए डिटेलिंग में भारत बेंज ने मतलब बहुत बढ़िया काम किया है। इस साइड में आपको एक म्यूजिक सिस्टम मिलता है, इस प्रकार ऑन होता है और देखिए आपको साउंड सुनाता हूँ इसका, अभी ये रेडियो पे चल रहा है। देखिए इस प्रकार साउंड क्वालिटी है, दोनों साइड में 2 कॉर्नर में 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, यहाँ पर AC के कंट्रोल से, यहाँ पर देखिए AC इस प्रकार काम करता है इसका। इसमें HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग इसमें दिया गया है। ब्लोअर का डायरेक्शन फ्रंट में कर सकते हैं, लेग्स की तरफ कर सकते हैं, फ्रंट विंडशील की तरफ कर सकते हैं। फॉग वगैरह कंडीशन में चलने के लिए आपको कोई दिक्कत इसमें होने वाली। यहाँ पर एक ग्लोव बॉक्स मिलता है, साथ ही साथ इसके ऊपर एक स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। अपर साइड में डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर 2 स्टोरेज स्पेस दी गई है और ड्राइवर साइड में आपको मिलता है सनवाइजर। यहाँ पर एक LED डोम लाइट मिल जाता है और कैबिन में ड्राइवर के साथ साथ 2 लोग आराम से सफर कर सकते हैं। ओमकर भाई देख सकते हैं, ओमकर भाई बहुत बढ़िया तरीके से बैठे यहाँ पर। मतलब भाई कैसा लग रहा है कैबिन आपको? कंफर्टेबल है, दूसरी बाकी ट्रक्स के अंदर में बैठे हुए सेगमेंट की, बट ये यहाँ पे हेडरेस्ट भी इसके अंदर प्रॉपर दिया है 2 लोगों के लिए। अच्छा, आप आराम से बैठ सकते हो इसमें। देखिए बंदे की हाइट 6 फीट है, मेरी जितनी हाइट है और बंदा आराम से बैठ सकता है, ये काफी अच्छी बात है। लेग स्पेस कैसा है भाई? लेग स्पेस तो बहुत अच्छा है। और अगर आपका, आप 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे जैसे आपके पास बैग वगैरह, आप बैग वगैरह रखने के लिए यहाँ पर अच्छी खासी जगह दी गई है, यहाँ पर भी नीचे रख सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात कि इसमें आपको वॉक थ्रू कैबिन मिलता है, इस साइड से इस साइड में आप आराम से जा सकती है। आप इस साइड का डोर खोल नहीं सकते कुछ कंडीशन में, तो आप यहाँ से भी निकल सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक है, यहाँ पर गियर लीवर है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पर थोड़ी स्पेस मिल जाती है आपको। यहाँ पर 2 बॉटल होल्डर मिलते हैं, इन्हें आप कप होल्डर के तौर पर यूज कर सकते हैं, बॉटल होल्डर के तौर पर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर है, एक जैक मिल जाता है और ये गाड़ी की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। रियर साइड में यहाँ पर एक पीपिंग विंडो मिल जाती है, यहाँ पर एक छोटा सा हुक मिल जाता है। भारत बेंज के ट्रक्स में आप मॉडिफिकेशन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक इमरजेंसी SOS बटन मिल जाता है, यहाँ पर एक USB चार्जिंग पोर्ट है। और जैसे मैंने आपको बाहर से बताया था कि जो फ्रंट का ब्लाइंड स्पॉट है, मतलब इसके नीचे थोड़ा सा जो इतना पार्ट दिख नहीं रहा है मुझे, तो हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर जो मिरर दिया गया है दोस्तों वो इसी कारण आ रहा है। अभी ओमकार भाई जो है वो सामने से आएगा, अभी देखिए ओमकार एकदम बॉडी एकदम सट कर खड़ा है, नीचे कोई बंदा है तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। बोलो जुबा केसरी। अभी देखिए कोई मोटरसाइकिल वगैरह होती तो आप इस प्रकार देख सकते हैं भाई कितना क्लोज है। यही फायदा होता है प्रॉक्सिमिटी मिरर्स का। अब लोगों की प्राइसिंग की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट जो प्राइसिंग है, मतलब पूरे ग्रिल के साथ जो आता है, वो 7 to 10,000 तक इसकी कीमत जाती है मॉडिफिकेशन की। आप अपने एंड पर भी करवा सकते हैं, 1 लोगों के लगने से सच में इस गाड़ी में 4 चांद लग जाते हैं। अब जानते हैं इस गाड़ी की कीमत के बारे में। इसमें आपको 4 वेरियंट्स मिलते हैं, 15 फीट, 17 फीट, 20 फीट और 21 फीट, जिनकी कीमत अलग अलग है। और इसमें आपको 2 टाइप की बॉडीज मिल जाती है। सबसे पहला है CVC यानी कि ये कैबिन विद चेसिस ऑप्शन, जिसमें सिर्फ कैबिन आता है और चेसिस पर आप अपने मन चाहे एप्लीकेशन के अनुसार बॉडी बना सकते हैं। इसके बाद आता है एक हाईटेक वेरिएंट आता है, जिसके ऊपर कंप्यूटर से बॉडी बनकर आती है। प्राइसिंग जो है दोस्तों वो वेरिएबल है अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से, बट इसकी जो एस्टिमेटेड प्राइस रेंज है ये 22 से 23 लाख तक जाती है। हर वीडियो में एक शोरूम प्राइस बताते हैं, क्योंकि ऑन रोड प्राइस आपके यहाँ पर अलग हो सकती है। और अभी BS6 फेज 2 में बहुत सारे ब्रांड्स की जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत मतलब इस गाड़ी के आसपास ही है, थोड़े से पैसे ज्यादा जा रहे हैं, बट आपको अगर अच्छी गाड़ी मिल रही होगी भारत बेंज आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरा बस एक ही मोटिव है कि आपके बिजनेस के लिए हम एक अच्छी गाड़ी रिकमेंड कर पाए। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मर्सिडीज बेंज भारत बेंज का ये ट्रक आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।